हाय फ्रेंड्स, मैंने आपको अपने पिछले एपिसोड में बताया कि अगर आप फिल्म बनाना चाहते हैं तो आपको पहला स्टेप क्या लेना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए। दूसरा स्टेप होना चाहिए कि आपकी कहानी, आप जिस पे फिल्म बनाना चाहते हैं तो कहानी सोचते समय आप जल्दबाजी ना करें। जिस जो कहानी आप पसंद करेंगे उस पर आप पैसा लगाएंगे, लाखों रुपए लगाएंगे, करोड़ों रुपए लगाएंगे, तो कहानी पसंद करते समय बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। कहानी ऐसी लें जो दर्शकों को पसंद है। आपको भले पसंद ना है लेकिन दर्शकों को वो कहानी जरूर पसंद आनी चाहिए, क्योंकि आप फिल्म दर्शकों के लिए बना रहे हैं। अक्सर ये होता है कि जब कोई पिक्चर बनाना शुरू करता है अपनी, तो वो अपनी ही कहानी लिखना शुरू कर देता है, जबकि वो राइटर नहीं होता, लेकिन उसको लगता है कि मैं सबसे अच्छा लिख सकता हूँ या मुझसे अच्छा कोई नहीं लिख सकता। ऐसा कभी नहीं होता। हर आदमी को अपना बच्चा बहुत प्यारा लगता है। जब कोई प्रोड्यूसर या कोई कहानी लिखता है तो उसको वो कहानी सबसे अच्छी लगती है। ऐसा लगता है कि उससे अच्छा कोई लिख ही नहीं सकता, उससे अच्छी कहानी कोई हो ही नहीं सकती। अगर उसमें फिल्म बन जाए तो वो सुपर डुपर हिट होगी, लेकिन जब वो कहानी दर्शकों के पास पहुंचती है तो कभी कभी जीरो हो जाती है। एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, जब आप कोई फिल्म प्रोड्यूस करते हो, पैसा लगाते हो, लोगों को काम देते हो, पैसा देते हो, तो 80% लोग आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाले होते हैं, क्योंकि आप उन्हें पैसा दे रहे हो, काम दे रहे हो, वो आपको नाराज नहीं करेंगे। आप एक सड़ी से भी कहानी किसी को सुनाओगे तो भी वाह वाह क्या कहानी, इस पर फिल्म बन जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा कहने वाले आपको हज़ार लोग मिल जाएंगे। लेकिन आप उनकी बातों में मत आइए, आप खुद सोचिए, समझिए। कहानी फाइनल करते वक्त बिल्कुल रिश्तेदारी, दोस्ती कुछ ना निभाए, क्योंकि आपके लाखों रुपये उस कहानी पर लगने वाले हैं। आप एक बेहतरीन राइटर लीजिए और कहानी सुनिए, एक से नहीं, दो से नहीं, तीन से नहीं, कई लोगों से सुनिए। और कहानी सुनने के बाद अपने आप से सवाल पूछिए कि इस कहानी को लोग क्यों देखेंगे, इस कहानी में ऐसा क्या है कि दर्शक इसे पसंद करेंगे। अपने आप से ये पूछिए कि अगर इस कहानी पे कोई और फिल्म बनाता तो मैं इसे पसंद करता या ना करता। दोस्तों, बहुत सारे फिल्म लाइन में ऐसे लोग घूम रहे हैं जिन्हें कहानी के बारे में, स्क्रीन प्ले के बारे में, डायलॉग के बारे में ABCD नहीं पता, लेकिन वो अपने आप को राइटर कहते हैं और लोगों के पास चले जाते हैं। कहानी सुनाने का उनका तरीका बहुत अच्छा होता है, हाथ पैर हिलाते हुए, नरेशन पावर जिसे कहते हैं, वैसे सुनाते तो सामने वाला इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन आप इम्प्रेस होने से पहले सोचिए, गौर से उस कहानी के बारे में सोचिए। कोई राइटर अगर आपके पास आता है और कहता है कि मैं राइटर हूँ, तो आप देखिए कि वो क्या वाकई में राइटर है, क्या उसका दिमाग इतना तेज चलता है कि वो अच्छी कहानी लिख सकता है, उसको स्क्रीन प्ले की नॉलेज है या नहीं है, उसको फिल्म की नॉलेज है या नहीं है। अगर आप पूरी तरह उस राइटर से इम्प्रेस हो जाए तो ही उसे राइटर लीजिएगा। अगर कोई राइटर आपको कहानी के अलावा बातों से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है कि इस पर फिल्म बन जाएगी, तो ऐसा हो जाएगा, हिट हो जाएगी, सुपर डुपर हो जाएगी, मैंने उसे दी थी, उसको बहुत पसंद आई, मैंने उसे सुनाई थी, तो आप ऐसी बातों पर बिल्कुल यकीन मत करिए। बहुत सोच समझ कर उस राइटर को फाइनल करिए। आपको लगे कि ये पूरी फिल्म संभाल सकता है तो इस राइटर को लीजिए, क्योंकि कहानी पर ही आप पैसा लगा रहे हो, ये मैंने आपको पहले भी बताया। कुछ कहानी सुनने में बड़ी अच्छी लगती है लेकिन जब उस पर फिल्म बनती है तो बहुत ख़राब फिल्में बनती हैं, और कुछ कहानी ऐसी होती है जो सुनने में ख़राब लगती है और उन पर फिल्म बनती है तो बहुत अच्छी बनती है, और ऐसा एक नहीं हज़ार बार हो चुका है। तो कहानी चुनते समय आप बहुत सतर्क रहिए, क्योंकि ये भी एक ऐसा डिसीजन है जहाँ आपके लाखों रुपए डूब सकते हैं, आपकी फिल्म डूब सकती है, आपका करियर ख़त्म हो सकता है। अगर आपके पास कोई स्टोरी आइडिया है और आपको लगता है कि इस पर फिल्म बने तो बहुत अच्छी चलेगी, तो आप किसी अच्छे राइटर को बुलाकर उस पर काम करवा सकते हैं, उस पर लिखवा सकते हैं। और अगर आप खुद काबिल हैं, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आपको ज्ञान है स्टोरी का, स्क्रीन प्ले का, डायलॉग्स का, तो आप खुद भी लिखिए, नहीं तो एक प्रोफेशनल राइटर को लेकर अपनी कहानी पर वर्क करवाइए और फिर उस पर फिल्म बनाइए। जब आप कहानी पसंद कर लें तो उसी टेस्ट का एक डायरेक्टर चुनिए। डायरेक्टर कहानी के मुताबिक आप कैसे चुनें ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो वेट एंड वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।